बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के 7.9 और 7.10 दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो 7.9 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर, इट्स वेट इज़ फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट बताया गया और उसका वेट बताया गया 18 न्यूटन। ये जो वेट उसका एयर में, जब इसी वेट को आप पानी के अंदर डाल देते हैं तो उसका वेट चेंज होकर 11.4 न्यूटन हो जाता है। हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और बाद में हम लोगों ने ये भी बताना है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा था, हम लोगों ने गैस करना है उसकी डेंसिटी के मुताबिक। हम लोगों ने बताना है कि इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो डाटा हम लोग लिख लेते हैं। वेट ऑफ है ऑब्जेक्ट इन एयर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, ये आ जाएगा हमारा डब्ल्यू मान और ये हमारा 18 न्यूटन। और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, इन वाटर हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारा 11.4 न्यूटन है। और इसके अलावा जो वाटर की डेंसिटी है वो फिक्स है, तो वो आप लोग लिख लें डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। ये वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर ये फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती, इसलिए आप लोगों ने याद कर लेनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। और हम लोगों ने मटेरियल की नेचर बतानी है या मटेरियल का नाम बताना है, नेचर ऑफ मटेरियल। ये हम लोगों ने दो चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, फार्मूला डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो उसका फार्मूला आप लोगों ने पीछे जो है वो चैप्टर में पढ़ा है, वही फार्मूला जो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। डी इज इक्वल टू डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और डब्ल्यू वन जो है वो हमारा 18 है, 18 न्यूटन है, 18। और W जो है वो 18 माइनस 11.4 मल्टीप्लाई पर 1000, वाटर की डेंसिटी जो है वो 1000 है। तो ये आप लोग कैलकुलेट कर लें तो ये हमारा आंसर आता है 2727 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है कि 2727 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो पीछे जो है वो टेबल दिया कि उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटीज़ बताई गई हैं, तो आप लोगों को वो टेबल याद करना होगा, उसके मुताबिक आप लोग बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ये जो है एलुमिनियम है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा मटीरियल है वो है एलुमिनियम, मटीरियल मटीरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एलुमिनियम तो अगर आप लोग पीछे वो टेबल याद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा ऑब्जेक्ट का नाम बताना। तो हमारे ये दोनों जो पार्ट्स थे ये सॉल्व हो गए। तो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो 7.10 उसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है। तो 7.10 की स्टेटमेंट है, अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेट 3.06 न्यूटन एयर, डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस फ्रीली इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9। हमें एक वुडन ब्लॉक बताया गया, उसका मास बताया, वेट बताया गया और उसकी डेंसिटी बताई गई। हम लोगों ने उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और फिर जब यही वुडन ब्लॉक जो है किसी लिक्विड के अंदर इमर्स किया जाता है तो उसके अंदर जाके इस वुडन ब्लॉक की क्या वॉल्यूम हो जाएगा वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने दो वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो डाटा अपना लिख लेते हैं, हमें क्या डाटा गिवन है, हमें डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बताई की है, डेंसिटी ऑफ वुड ये है हमारी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बताया क्या हमें,
वेट ऑफ वुड वो है हमारा 3.06 न्यूटन। और हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट हम लोगों ने दो वॉल्यूम फाइंड आउट करने हैं, V1 और V2 हम लोगों ने दो वॉल्यूम फाइंड आउट करने हैं। तो हमारा फार्मूला क्या, हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, यही हमारा फार्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो हम लोगों ने वॉल्यूम 1 निकालना है, तो इसके लिए हमें डेंसिटी तो है लेकिन हमारे पास मास नहीं है, तो सबसे पहले हमें मास फाइंड आउट करना होगा। तो मास हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, मास जो है वो हम लोग वेट से जो है वो मास फाइंड आउट करेंगे। तो W इज इक्वल टू एम जी, तो m निकालना है तो W से g डिवाइड हो जाएगा, m इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय पे g। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, W की वैल्यू जो है वो 3.06 है और g की वैल्यू 10 है, फिक्स होती है आप लोगों को पता है। तो मास जो है वो हमारा आ जाएगा 0.306 किलोग्राम। इस किलोग्राम को हम लोग ग्राम में लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी जो डेंसिटी है वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसीलिए हमें इस किलोग्राम को कन्वर्ट करना होगा ग्राम में। तो ये हमारा आ जाएगा 3.06 मल्टीप्लाई पर 1000। किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 306 ग्राम जो है ये हमारा मास है आ जाएगा। ये रिलेशन आपको पता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए हमेशा मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो ये हमारा मास आ गया। अब हम लोग जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करते हुए। तो वॉल्यूम जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, V1 वॉल्यूम 1 हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम 1, तो वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो डेंसिटी मास से डिवाइड हो जाएगी। तो मास हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया 306 और डेंसिटी जो है वो हमें गिवन है 0.6, तो इसे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आता है 510 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा वॉल्यूम 1 जो है वो फाइंड आउट हो गया। अब हम लोगों ने वॉल्यूम 2 निकालना, वॉल्यूम 2 कौन सा है, वॉल्यूम 2 वो है जब ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डाला गया है, इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर जब मर्ज किया गया तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, मास वही रहता है, मास को हम लोग वही यूज़ करेंगे। डेंसिटी चेंज होगी और डेंसिटी हमें गिवन है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हम लोगों ने जो वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा, इधर जो वो आप डेंसिटी 2 भी लिख लें, डेंसिटी 2 ये मुझे मैं लिखना भूल गई, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप लोगों ने ये डेंसिटी जो है वो यूज़ करनी है। तो हम लोगों को जो डेटा गिवन है वो हमें डेंसिटी गिवन है और हमें मास हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया, वॉल्यूम 2 हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारी डेंसिटी 1 इधर आप लोग लिख लें, इधर मैंने डेंसिटी 1 मेंशन करती क्योंकि अब हम लोगों ने डेंसिटी 2 यूज़ करनी है। तो डेंसिटी 2 जिकल टू मास ओवर वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो डेंसिटी इधर डिवाइड हो जाएगी मास से, डेंसिटी अब चेंज हो रही है, मास की वैल्यू चेंज नहीं हुई, मास वही है 306 लेकिन आपकी डेंसिटी जो है वो चेंज होगी, आपकी जो डेंसिटी है वो है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ये वाली डेंसिटी यूज़ करेंगे 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसे आप लोग डिवाइड कर ले तो आपका आंसर आता है 340 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट साथ में आप लोग मेंशन करेंगे। तो ये जो हमारे न्यूमेरिकल्स थे 7.9 और 7.10 दोनों सॉल्व हो गए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।